जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर प्रशासन आज से जुट गया है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए आज से मंच तैयार किया जाएगा। मंच तैयार करने के लिए पर्यटन, पुरातत्व और पीडब्ल्यूडी को जिम्मेदारी दी गई है, जहां भजन लाल शर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रशासनिक अधिकारी समय समय पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वहीं पर सीएस उषा शर्मा भी लगातार प्रशासनिक और संबंधित अधिकारियों से बैठकें ले रही है और उचित दिशा निर्देश भी दे रही है। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित 6 भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और 1 डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। समारोह स्थल पर तैयारियां एसपीजी की निगरानी में की जा रही है। ऐसे में समारोह स्थल पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी संदीप अग्रवाल ने। राजस्थान में पिछले दिनों से चल रहा सियासी ड्रामा आखिरकार मंगलवार को समाप्त हो गया। विधायक दल की बैठक हुई, उसमें विधायक दल का नेता सुन लिया गया। वहीं पे राजस्थान को 14वें मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा को नियुक्त कर दिया गया। कल यानी 15 दिसंबर को अल्बर्ट हॉल पर वो सीएम जो है भजन लाल शर्मा नवनिर्वाचित, वो शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होंगे और शपथ लेंगे, गोपनीयता और पद की शपथ लेंगे। कलराज मिश्र जो राज्यपाल हैं राजस्थान के, वो दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा, वहीं पर सीएम नवनिर्वाचित सीएम जो भजन लाल शर्मा, उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मैं आज हाल फिलहाल खड़ा हूँ अल्बर्ट हॉल में, रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल में, जहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं जो हैं माकूल व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यहाँ पे 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है और पार्टी का दावा है कि जो ये शपथ ग्रहण समारोह होगा वह भव्य तो होगा ही, साथ ही साथ ये यादगार भी रहेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल जब भजन लाल शर्मा पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, वहीं पर उनका जन्मदिन भी कल सेलिब्रेट किया जाएगा। तमाम जो पार्टी के नेता हैं, बड़े कदावर नेता, प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लें, राजनाथ सिंह की बात कर लें, और जो भी जो 6 राज्यों के सीएम, मैं बता दूं आपको, जो आने वाले हैं वो मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जब और राजनाथ सिंह जब मंच पर पधारेंगे, मंचासीन होंगे, उस समय उनका भी भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। पार्टी जो बीजेपी पार्टी है उसके जो सर्कुलर है उसके अनुसार जो यादगार रहेगा उसमें यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा और केक काटने की सेरेमनी भी यहाँ पर पूरी की जाएगी। मैं बता दूँ, मेरे सामने आप देख सकते हैं कि जो बीच में जो बड़ा मंच बना है, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह और भजन लाल शर्मा सहित दो डिप्टी सीएम बने हैं, दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा और कलराज जो मिश्र हैं राज्यपाल, वो मौजूद रहेंगे। वहीं पे जो दाएं मैं दिखाना चाहूँगा, दाएं जो वो मंच बन रहा है, वहाँ पर जो 6 राज्यों के सीएम जो आने वाले हैं, जिनमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंत बिस्वा, गोवा सीएम प्रमोद सावंत, हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर, जो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु राय साय, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल होंगे। इसके अलावा जो तमाम पार्टी के, राजस्थान पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता कार्यकर्ता हैं, जिनमें से जो मंच पर मंचासीन होंगे उनमें गजेंद्र सिंह शेखावत, राजनाथ सिंह, अर्जुन मेघवाल, नितिन गडकरी, मनसुख मांडविया, रामदास अठावले, कैलाश चौधरी, विश्वेश्वर टुडू शिरकत करेंगे। वहीं पर ये जो इसके बाईं साइड में जो मंच है, वहाँ पर जो पार्टी के विशेष पदाधिकारी हैं वो मंचासीन होंगे। तमाम जो पुलिस महकमा है, जांच सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो तमाम अपने अपने अलर्ट मोड में हैं। मेरे साथ यहाँ पे एक बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, किस प्रकार देखते हैं पूरी व्यवस्था को, किस प्रकार से पार्टी विशेष यादगार और भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है, लगातार 14वें मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा अपना पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, क्या बताएंगे? राजस्थान के कार्यकर्ताओं में और आम जनता में बड़ा उत्साह और उत्साहजनक माहौल है। सबको बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे नए मुख्यमंत्री का कल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। प्रशासन के आला अधिकारी सभी व्यवस्थाओं में जुटे हैं, पार्टी के सीनियर नेता भी व्यवस्थाओं में जुटे हैं। बड़ी संख्या में लोगों के लिए बैठने का अरेंजमेंट भी किया जा रहा है और सबकी सारी व्यवस्थाएँ रहेंगी। बड़ी संख्या में राजस्थान भर से कार्यकर्ता आएंगे, आम जनता भी आएगी, अन्य सामाजिक संगठनों के लोग भी आएंगे, अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के लोग भी आएंगे, हमारे सीनियर नेता भी आएंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री जी विशेष रूप से उपस्थिति रहेगी, इसलिए बड़ा उत्साह है, सब में लगे हैं, सब काम कर रहे हैं। कितनी के लोगों की बैठने की व्यवस्था लगभग अनुमानित की गई है? लगभग 21,000 लोगों के तो सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था है, बाकी साइड में जगह है, बहुत अच्छी संख्या में लोग आएंगे, सबके लिए व्यवस्था रहेगी। अंतिम सवाल आपसे ये कि यादगार बनाने की भी कवायद की जा रही है कि जो भव्य प्रोग्राम होगा शपथ ग्रहण समारोह, उसमें यादगार भी बनाया जाएगा? बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है, सत्ता मिली है, और भजन लाल शर्मा जी जो कि नए मुख्यमंत्री के रूप में कल शपथ लेंगे, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह का माहौल है और भव्य कार्यक्रम होगा और यादगार कार्यक्रम बने, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं पार्टी स्तर पर भी, प्रशासन स्तर पर भी। ये पार्टी कार्यकर्ता थे जो यहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भव्य के साथ साथ यादगार तो होगा ही, और क्योंकि यादगार होना लाजमी बनता है कि कल जब सीएम पद की शपथ लेंगे भजन लाल शर्मा, वहीं पर उनका जन्मदिन भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा।
सीएस जोगेश शर्मा है राजस्थान प्रदेश की, वो लगातार संबंधित अधिकारियों से मीटिंग और बैठकों में दौर चालू है। उचित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं सीएस उषा शर्मा द्वारा कि सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने विशेष अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो भी आने, देख सकते हैं लगातार जो सीनियर अधिकारी हैं पुलिस महकमे के या फिर जो भी राजस्थान एजेंसियाँ हैं सुरक्षा एजेंसियाँ, वो लगातार मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। हम लगातार जो राज्यपाल कलराज मिश्र है वो भी लगातार मॉनिटरिंग ले रहे हैं सुरक्षा को लेकर। देखिए जिस प्रकार से पार्टी के पदाधिकारी के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार आला पदाधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको अल्बर्ट हॉल के जहाँ पर मंच बन रहा है और कल जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वहाँ की सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं हम, जहाँ पर लगातार जो आला अधिकारी हैं पुलिस महकमे के जो जितने भी अधिकारी हैं वो लगातार व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे शायद इनसे बात करने की किस प्रकार से क्या व्यवस्था रहने वाली है। सुरक्षा एजेंसियों की बात कर लें हम, किस प्रकार से सुरक्षा एजेंसियाँ लगातार काम कर रही हैं, क्या क्या सुरक्षा के माकूल यहाँ पे उपाय किए गए हैं। तमाम जो उषा शर्मा जो सीएस है वो लगातार मॉनिटरिंग करिए, बैठकों का दौर जारी है और सुरक्षा को लेकर दूसरे दृष्टि से कोई चूक नहीं होगी ऐसा प्रशासन और शासन द्वारा दावा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये भी साफ हो गया है कि जिस प्रकार से लगातार बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत कर सरकार बनाने की कवायद की कर रही है और सरकार बनने जा रही है, वहीं पर कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।